मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जहाज से हमारे जहाज में आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसा है कि हमारे जहाज से अगर उनके जहाज में जा रहे हैं तो वहां तो संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है डूबने वाला तो उनका जहाज है। और हमारे जो वहां उनके जहाज में जो नए लोग गए हैं, और जब लगेगा उनको जहाज डूबने लगेगा तो सबसे पहले जो पहले जहाज में सवार होंगे उनको वो समुन्द्र में फेंकेंगे, है ना। तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा जहाज तो हल्का हो रहा है, तो हल्का जहाज तो डूबता नहीं है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से भीड़ उनके जहाज में सवार हो रही है तो निश्चित तौर पे उनका जहाज जो है उस भार को सहने की क्षमता नहीं रखता। कांग्रेस के लोग छेद करेंगे भाजपा के जहाज में जाकर, हो सकता है। मैंने तो एक बात मजाक में कही कि हो सकता है, एक रणनीति भी हो सकती है कि कल को ऐसा होगा कि उनके किले में भगवा की जगह तिरंगा झंडा हो, क्योंकि कोई भी जो जा रहा है अपनी बीच किस सोच से जा रहा है। ये तो मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके उनके कार्यकर्ता है, उनमें बड़ी हताशा है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर से आकर लोग उन्हें दबाने का जो है प्रयास करें, तो ये हताशा आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे दिखेगी। नामों में बड़ा समय लग रहा है कांग्रेस पार्टी, कोई मंथन ही चल रहा है, क्या कोई प्रत्याशी मिल नहीं पा रहा है, चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रत्याशियों की लंबी सूची है, लेकिन अभी हमारे पास जो है समय है और जल्दी मुझे लगता है पार्टी आला कमान जो है प्रत्याशियों को लेकर फैसला करने वाला। किसान और बागवान है वो सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे, खाद्य महंगी, दवाइयां महंगी, और ऊपर से केंद्र सरकार का जो उदासीन रवैया किसानों और बागवानों के प्रति है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात करती है, और किस तरह से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या आढ़ती हैं, जो सेब का कारोबार करते हैं, उन्हें खुली छूट है कि किसानों और बागवानों को लूटा जाए।